अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। चलें आज रुबीना के देसी दस्तखा में बन रही है चिकन दिल्ली निहारी। आइए देखते हैं कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। अच्छा भाई, अब इसको मैं ना फ्राई करूंगी ऑयल में। आपने ना चिकन दिल्ली निहारी में ना आपने चिकन के पीस अरब बड़े लेने हैं। मैंने इनके पापा से कहा था बड़े लेके आए, उनको याद नहीं रहा, वो छोटे पीस करवाना है, लेकिन आपने बड़े लेने हैं। बड़े में ये बहुत प्यारी लुक आती है और मज़े की बनते हैं। और आपने इसमें इस टाइम कोई पानी शानी कोई भी ऐड नहीं करना, और मैं 15 मिनट इसको इसी के पानी में और ऑयल में फ्राई करूंगी। ना मैंने इसको अब ऑयल में फ्राई कर लिया है, तो अब मैं एक चम्मच लहसुन का और एक चम्मच अदरक का डालूंगी। अब अदरक लहसुन को ना भूनना है जी। जब तक लहसुन अदरक में बनाई हो रही है, तो मैं ये आपको मसाला बना दूँ। मैंने ना निहारी का और बिरयानी का और अरबी राइस का ना मसाला बना के जार में रखा हुआ है। आपने ना इसमें निहारी के मसाले में ले लेना साबुत ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, तेज़पत्ता, सौंफ, जायफल जावित्री, बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा। ये आपने इन चीज़ों को लेके तवे पे रोस्ट कर लेना है, हल्का सा करना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। फिर उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये मसाला तैयार हो गया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून बनेंगे, बने हैं, ये मैं डालूंगी इसे। अब इसमें ना दिल्ली निहारी में ना थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और 2 टेबलस्पून रेड पीसी हुई मिर्च डालूंगी। मसाले जल रहे हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो प्यारी प्यारी शहजादियाँ हैं जो अभी नए नए सिरे से कुकिंग सीख रही हैं, मैं उनके लिए बड़ी आसान आसान रेसिपियाँ लेके आती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और इसको सीखा करें, बनाया करें। और जो दिल्ली निहारी बना रही हूँ ये बहुत बहुत ईजी है, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकती हैं। और 1 टेबल स्पून नमक का। और 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। और मेरी रेसिपी को पूरा वॉच किया करें, जो नई आने वाली बच्ची है ना उनको बहुत बहुत आसान टिप्स मिलेंगी कुकिंग के दौरान। अब दिल्ली निहारी का होममेड मसाला जो इसकी अहम चीज़ है वो जाएगा। ये 2 भर के ना टेबलस्पून डालूंगी और ये इंशाल्लाह ताला ये मसाला डाल दिया, आपको पता चलेगा कि हमने ना चिकन दिल्ली निहारी में ना कोई चीज़ ऐड की है। अगर आप इसको मटन में बनाए ना तो माशाल्लाह यकीन जाने बहुत मज़े की निहारी बनती है। बस हमारे घर ना शौक से नहीं खाया जाता मटन, इसलिए मैं चिकन में बना रही हूँ। और इसको आप रोगनी के नान के साथ खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। ये मैंने बनाई के दौरान ना थोड़ा सा घी निकाल लिया था, क्योंकि इसमें ना चिकन का फ्लेवर आया हुआ है। तो अब मैं इसको एंड पे ना कश्मीरी मिर्च डाल के ऊपर इसका तड़का लगाऊंगी। और बनाई के दौरान माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। और जो मैंने दिल्ली निहारी का मसाला डाला था बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैंने ना 3 स्पून आटा ले लिया था, अब इसको लाइट सा ना 1-1/2 मिनट के लिए ना मैं इसको रोस्ट करूँगी।
सिंपल आटा है, मैंने इसमें कोई चीज नहीं ऐड की। ना 15 मिनट इसकी बुनाई कर ली थी, अब मैं 4 कप पानी के डाल के ना इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए ना पकने के लिए छोड़ दूंगी। टाइम को अपने आगे पीछे नहीं करना जी। मैंने उधर 4 कप पानी डाल के ना उसको तकरीबन 30 मिनट पका दिया, तो आपने भी टाइम ना कम या ज्यादा नहीं करना, 30 मिनट बनाने हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, बोटी आपने बड़ी रखनी है, चिकन की हो और मटन की हो, या आपने बड़ी रखनी है। अब मैंने जो आटा भून लिया था ना, मैंने पानी ले लिया है, अब मैं इसमें 3 स्पून डाल के ना इसको मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नियारी के मसाले की माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सारे घर में क्या कि बाहर तक फैली हुई है। इसको पानी में ना मिक्स कर लेना आपने, और आप जो मसाले ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई नमक कम खाता है, कोई मिर्च ज़्यादा खाता है, इस तरह कोई बीपी का मरीज़ होता है तो नमक कम खाता है। अगर आप माशाल्लाह पूरी तरह तंदुरुस्त हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें, और अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत है तो सब कुछ है। ये दिल्ली नियारी चटपट बनने वाली है। अब मैंने जो आटा मिक्स कर लिया था ना, एकदम नहीं आपने सारा डाल देना, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऐड करना है कि आपने देखना है कि ये कितना ठीक हो रहा है। और ना आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये फौरन नहीं ठीक होता, तकरीबन थोड़ा सा टाइम लग जाता है ठीक होने में, तकरीबन 2-3 मिनट लग जाते हैं। ये देखें अभी नहीं हुआ। अब मैं आटा थोड़ा सा पानी, आटे वाला पानी थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहना ताकि इसके दौरान ना गुठलियाँ ना बने। और जो मैंने आटा भूना था ना, भून के डालिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे ना आटे का कच्चा पानी रहता है और खुशबू बहुत प्यारी आती है। वैसे भी नहीं आई मसाले की अपनी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। अब ना हम तड़का तैयार कर लेंगे। ये मैंने ना चिकन बनाते हुए ना इसका ऑयल निकाल लिया था, तो इसमें ना ये कश्मीरी मिर्च कलर लाने के लिए, प्यारा सा कलर लाने के लिए ये करेंगे, तड़का तैयार कर लेंगे। और इसमें ना टमाटर जाती है ना प्याज जाती है, और ये ठीक सिर्फ आटे से होता है। तो अगर आपका मतलब 3 चम्मच डालने से नहीं ना ठीक हो रहा, तो आप ना उसको 4-5 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा ठीक हो गया, ये देखे माशाल्लाह बहुत प्यारा ठीक हो गया। अगर आपका ना 3 स्पून डालने से नहीं ना ठीक हुआ, तो आप इसको, अगर आपका चिकन मतलब ज़्यादा है ना, तो आप 4-5 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा ठीक हो गया, तड़का तैयार हो गया। हमें इसके अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली नियारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं ऊपर से ना बारीक बारीक कटी हुई अदरक और ये 2-3 हरी मिर्चें लेके वो ऐड कर, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए आपके सामने कितनी प्यारी लुक आ रही है। और प्लीज़ मेरे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कीमती टाइम में से अगर आप 1 मिनट मेरे लिए निकालते हैं तो आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा और आपका प्यार होगा।
देखें माशाल्लाह लुक्का आपके सामने है, बहुत बहुत प्यारी लुक्का ही है माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप मुनासिब समझते हैं, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मैं एक अच्छी बात से अपनी रेसिपी का इख्तिताम करूंगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है कि जो जब भी वो कोई लुकमा खाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जब भी पानी का घूंट पिए और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में इजाफ़ा दे, आपकी कमाई में बरकत दे, और हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह किया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।